फेलियर था वो मेरे लाइफ में रह चुका था पहले, मतलब फाइनली कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो 2 साल बाद में अपने आपको कहाँ देख रहा हूँ मैं, मतलब इमेजिन नहीं कर पा रहा था। तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो, और आज मैं आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल लेके आया हूँ। तो आज हम बात करेंगे गेट 2021 में 139 ऑल इंडिया रैंक होल्डर दीपांशु गोयल सर की जर्नी के बारे में। तो इस वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ आप एंड तक बने रहिए, क्योंकि दीपांशु सर द्वारा बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो अभिमन्यु, मैं ठीक हूँ, एंड हेलो एवरीवन। तो अभिमन्यु के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल सर, तो आपका भी सर मैं आपका बहुत वार्म वेलकम करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही खास इंटरव्यू होने जा रहा है इस चैनल पे, और आई थिंक ये फर्स्ट इंटरव्यू होगा। तो मेरे को बहुत प्राउड फीलिंग आ रही है कि आपके साथ मौका मिला है सर इंटरव्यू शूट करने का। तो चलिए बिना देरी के हम इस इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं, और मैं आपको बता दूँ कि हमारे दीपांशु सर KNIT सुल्तानपुर के हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सर। व्यूअर्स को आप सबसे पहले अपना शॉर्ट ऑफ इंटरव्यू, मतलब इंट्रोडक्शन दे दीजिए, ताकि व्यूअर्स आपको जान जाएं। ठीक, सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपांशु गोयल। सो फ्रेंड्स, मैं मेरठ शहर का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश में जो शहर है मेरठ। तो अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में आप सभी से बात करूँ, तो मेरी जो स्कूलिंग है वो मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो मेरठ शहर से ही DMA स्कूल से हुई है। एंड गाइस, 10th के बाद जब एक मेन डिसीजन लेना होता हमको कि इंजीनियरिंग साइड जाना है या बायोलॉजी साइड या फिर कॉमर्स साइड, तो वो एक डिसीजन आया था मेरी लाइफ में, तो मैंने चूज़ किया था इंजीनियरिंग। एंड देन उसके बाद मैंने KNIT में एडमिशन लिया था अपनी इंजीनियरिंग के लिए। एंड देन उसके बाद गेट का एग्ज़ाम, जो मेरा मेन एम था इंजीनियरिंग के एडमिशन लेने के बाद से, एंड उसका रिजल्ट 3rd ईयर मैंने दिया था। 3rd ईयर में रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है, नेक्स्ट ईयर के लिए इम्प्रूव के बारे में सोचा है। तो ये छोटा ब्रीफ में मेरा इंट्रोडक्शन आप ले सकते हैं। तो सर बहुत अच्छा आपका इंट्रोडक्शन, शॉर्ट एंड फाइन रहा। तो व्यूअर्स आप समझ ही गए होंगे हमारे सर कहाँ से हैं, कहाँ से स्कूलिंग हुई है, और कॉलेज भी उन्होंने बता दिया। तो सर मैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि मतलब जो एज ए इंजीनियर हर बच्चा JEE का एग्ज़ाम देता है, तो सर आपने 11th 12th में इसका मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी कि आपको ये JEE के बारे में और इंजीनियरिंग का ये जो होता है कि माँ मुझे इंजीनियरिंग ही करना है, तो ये कब आपको आया कि आपको इंजीनियरिंग में आगे बढ़ना है और JEE का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपने कर दी? यार ऐसा होता है कि 9th स्टैंडर्ड में जब मैं था, तो उस समय मतलब ये डिसीजन मैंने लिया था कि यार इंजीनियरिंग फील्ड है, मुझे जाना चाहिए, मेरे लिए सही हो सकती है। एक चीज़ ये होती है ना कि यार हम फॉलो कर जाते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। बिल्कुल सर, अभी तक सही चल रहा है, आगे का मुझे नहीं पता क्या होगा। तो 9th में मैंने डिसाइड किया था कि मुझे JEE की प्रिपरेशन करनी होगी इंजीनियरिंग के लिए। अच्छा, एंड उसके लिए मैंने 10th की एंड में एक स्कॉलरशिप एग्जाम दिए थे FITG के जी। तो मैंने FITG से ही कोचिंग ली थी 11th 12th में अपने स्कूल के साथ में, मेरठ में जो FITG का सेंटर है वहाँ से। तो उस FITG के मतलब 2 साल की मेरी प्रिपरेशन हुई थी उसमें, एंड फाइनली जो मतलब मेरा रिजल्ट रहा था वो इतना अच्छा नहीं रहा था। मतलब मैंने JEE मेंस की जो कट ऑफ थी वो जस्ट क्लियर की थी, तो ऐसा नहीं था कि मुझे मतलब कोई NITs या फिर IITs ऐसा सच कुछ मिल नहीं रहा था, लेकिन वो था कि काफ़ी गलतियाँ उस समय की थी, काफ़ी कुछ उनसे मतलब सीखा है कि आगे क्या गलती नहीं दोहरानी है। लेकिन उसके बाद में एक एग्ज़ाम होता है AKTU का, ठीक है, जिसके थ्रू हमारा जो कॉलेज है KNIT सुल्तानपुर, जो कि 2nd रैंक होल्डर है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो वो अलॉट होता है। तो वो जो मैंने एग्ज़ाम दिया था उससे मेरी रैंक आई थी 2008, तो उसके थ्रू मैंने एडमिशन लिया था KNIT सुल्तानपुर में फिर जी। तो मतलब तो ये मेरी जर्नी है। तो मतलब आपको 9th क्लास में इसके बारे में अवेयरनेस थी कि ऐसा कुछ एग्ज़ाम होता है JEE के लिए? बहुत अच्छा सर, मतलब कुछ कुछ बच्चों को पता नहीं रहता है ना, कुछ 12th में आके पता करते हैं, तो आपको 9th से थी। तो मतलब इसी से यार यही बात है ना कि जो मैं तुमको बता रहा हूँ कि मतलब एज अ स्टूडेंट ना, मतलब अवेयरनेस यार काफ़ी ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत सही। कॉम्पिटिशन इंडिया में इतना हो चुका है ना, कॉम्पिटिशन इंडिया में इस समय इतना है कि अगर आप अवेयर नहीं है ना, तो आप कॉम्पिटिशन से ऑलरेडी बाहर। बिल्कुल सर, आप कॉम्पिटिशन में एंट्री ही नहीं लिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल, यू आर राइट सर। मेरा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जब आप फाइनली KNIT में आ गए, तो आपका फर्स्ट ईयर कैसा रहा, उसके एक्सपीरियंस के बारे में बताइए सर। यार फर्स्ट ईयर तो जब KNIT में आए थे, तो ऐसा होता है ना कि इससे पहले कभी घर से इतने समय तक रहे नहीं थे, 2-3 महीनों के लिए भी कभी नहीं रहे। बिल्कुल ठीक। तो कभी कभार ऐसा होता है कि जब पेरेंट्स तुम्हें छोड़ के जाते हैं, तो पहले 1-2 दिन तो फील होता है कि यार घर से अलग है, नया माहौल है। वहाँ पर जब मैं गया था तो एज सच में किसी को जानता भी नहीं था, मतलब क्योंकि पहले से मेरा दोस्त था जो इसने मेरे साथ एडमिशन लिया हो जी, तो सब एक नए फ्रेंड्स थे। तो जो मेरा रूममेट है, मतलब उससे इंट्रैक्शन धीरे धीरे जब स्टार्ट हुआ, बाकी क्योंकि रूममेट जो होते हैं मैं रैंडमली अलॉट हुए थे वहाँ पे। अच्छा,
मतलब ऐसा ऐसा कोई फिक्स फिक्स नहीं था नहीं मेरा था कोई आपके में? जॉब। हाँ रैंडमली अलॉट हुए थे, तो तो जो मेरा रूममेट था मतलब उससे काफ़ी दिनों तक इंटरेक्शन चला, फिर दोस्ती बननी चालू हुई। तो जब हम 15-20 दिन में कॉलेज में सेटल हुए ना, तो यार तब रियलाइज हुआ कि मतलब अब मतलब इंजॉयमेंट आ रहा है कॉलेज हाँ, लाइफ मतलब में। अब ठीक, पता चला कि फिर कॉलेज उसके लाइफ बाद शुरू। में, हाँ हाँ फिर उसके बाद फेज आता है कि सीनियर से इंटरेक्शन होता है स्टार्टिंग में जी कॉलेजेस में। ठीक, तो वो थोड़ा फन वाला पार्ट रहता है, तुम्हें पता होगा अभी, हाँ सर, अभी तो तो मेरे उसमें थोड़ा। ऑनलाइन ही है, अभी हम लोग ऑफलाइन मिलेंगे सर आपसे, बिल्कुल वो एक्सपीरियंस कुछ अलग ही रहता है, वो हाँ आप गेन कर चुके हैं वो एक्सपीरियंस, बिल्कुल सर तो वो यार फन वाला एक्सपीरियंस रहता है। एंड देन उसके बाद पता क्या होता जी। है कि फर्स्ट ईयर में जो तुम्हारे सब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो सभी तुम्हारे फिजिक्स होते हैं, केमिस्ट्री होती है, मैथ्स होती है, जो तुम पढ़ के आए हो ऑलरेडी, तो एकेडमिक्स का इतना बर्डन नहीं होता है सच कुछ। तो क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में ना, जितने भी तुम्हारे कॉलेजेस में, जैसे हमारे कॉलेज में काफ़ी सारी अलग अलग वो होती है कमिटीज़ होती हैं, तो उसमें तुम्हारे एंट्रेंस होता है फर्स्ट ईयर में, तो उसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है, जिससे मतलब काफ़ी मज़ा आता है। एज ए टीम बना के तुम जाते हो, रिप्रेजेंट करते हो अपने आप को, अपनी टीम को, फिर तुम उसमें एंटर होते हो किसी कमिटी में। एंड देन उसके बाद तो यार फन वाली पूरी लाइफ है। तुम एक साल हॉस्टल का जो एक लाइफ ऐसा होती है बोला ना, जाए कि आपने भी अपनी कॉलेज लाइफ को फर्स्ट ईयर पूरा मतलब एक्सप्लोर किया कॉलेज को और अदर फील्ड को भी, है ना यार पता है क्या है, जब मैं गया था ना जी? कॉलेज में, तब मैंने ये डिसाइड किया था कि यार फर्स्ट ईयर सिर्फ और सिर्फ मतलब कॉलेज लाइफ को एंजॉय बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल जो प्रिपरेशन कर रही है या फिर जो आगे का सोचना है वो सेकेंड ईयर से सोचेंगे। एक साल अब रेस्ट लेते हैं मतलब पूरी तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मतलब जैसे कि ये जो आपका जो मेन अभी जिस वजह से मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ वो है गेट, तो सर पहले व्यूअर्स को बता दीजिए क्योंकि बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है कि गेट है क्या एक्चुअली, मतलब गेट एक क्या एग्ज़ाम है और इसकी आपको कब अवेयरनेस हुई कि हाँ गेट मेरे को देना है, आपका इंटरेस्ट कब जागा कि गेट के लिए मुझे भी प्रिपेयर करना है और मुझे ही इस लाइन में आगे जाना है, तो आपने कब शुरुआत की इस प्रिपरेशन की और आपको कैसे पता चला इस गेट के बारे में, थोड़ा व्यूअर्स को बताइए सर यार पता है गेट एग्ज़ाम की जब हम बात कर रहे जी। हैं ना, तो सबसे पहले मैं गेट की फुल फॉर्म बताना चाहूँगा। काफ़ी को पता, काफ़ी बच्चों को मैंने देखा गेट हाँ की फुल फॉर्म नहीं पता बिल्कुल सर होती है। बिल्कुल, बहुत सही बोल रहे हैं आप, तभी मैं बोला हूँ कि गेट के बारे में थोड़ा बता दीजिए व्यूअर्स को ताकि उनको भी एक जनरल आइडिया हो जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको गेट के बारे में एग्जैक्टली प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है, तो आप प्लीज़ बताइए सर, मैं चाहता हूँ। तो गेट की फुल फॉर्म होती है गाइस, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। बिल्कुल ठीक, ये एक तरीके से एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है IITs में एडमिशन के लिए, NITs में एडमिशन के लिए, एंड काफ़ी सारे PSUs में एडमिशन के लिए। जी ठीक, IITs एंड NITs में गाइस आपको ऑफर होते हैं M.Tech के प्रोग्राम, आपके पास ऑप्शन होता है आप MBA भी कर सकते हैं, MS भी कर सकते हैं। एंड PSUs गाइस आपके होते हैं पब्लिक सेक्टर्स, जहाँ पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो यार गेट का जो एग्ज़ाम है उसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है अगर आप एक एवरेज कॉलेज से बिलोंग करते हैं, जहाँ की प्लेसमेंट इतनी अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू IITs एंड NITs। जी क्योंकि अगर आपको एक नॉर्मल प्लेसमेंट के लिए सेटल नहीं होना है, ठीक, तो आपके पास एक ऑप्शन रह जाता है कि या तो आप अपनी स्किल पे काम करके एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए जाएं, जी बिल्कुल या फिर एक आपके पास ऑप्शन होता है कि आप BTech के बाद MTech करके अपनी स्किल्स को, अपनी नॉलेज को एनहेंस करके बिल्कुल एक अच्छी जॉब के लिए अपीयर हो सकते हैं। ओके ठीक, तो गेट यार उसी के लिए एग्ज़ाम होता है। एंड देन कुछ मतलब चॉइसेस होती हैं कि डायरेक्टली BTech के बाद आप चाहते हैं कि आपको एक गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब मिल जाए, हाँ तो उसके लिए आपके पास होते हैं पब्लिक पब्लिक सेक्टर। ठीक, तो सेक्टर उसमें आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं गेट एग्जाम के थ्रू। एंड इससे अलग अगर मैं आपको बताऊं तो यार गेट के थ्रू आप इतना ही नहीं, आप MBA के लिए भी अप्लाई कर सकते अच्छा हैं। MBA के लिए सर, ये चीज़ मेरे को भी नहीं पता थी आज तक, MBA के लिए गेट के थ्रू भी जा सकते हैं मतलब? यस, MBA के लिए गेट के थ्रू भी जा ओके सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ जी तो दो कॉलेजेस हैं हमारे पास में, एक है नीति मुंबई एंड एक है IISc जी बैंगलोर। इनका MBA के लिए एक फ्लैगशिप प्रोग्राम होता है। ठीक, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे नीति मुंबई की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो नीति मुंबई फेमस है अपनी सप्लाई चेन के लिए। ठीक, तो ऑल ओवर द इंडिया जो मेन मेन कंपनीज हैं वो नीति मुंबई में आती है सिर्फ और सिर्फ उन ग्रेजुएट्स को लेने के लिए जो सप्लाई चेन में जिनकी स्पेशलिटी है। ठीक, तो अगर आपकी इच्छा है MBA की तो आप वहाँ से भी यहाँ से जा सकते हैं। ठीक, उसके बाद यार गेट का जो एग्ज़ाम है ना, उसकी इंपॉर्टेंस पीछे कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो हमारी बॉडी है AICTC, वो बार बार ये कह रही है कि गेट को एज अ मतलब एग्जिट एग्जाम बना दिया जाए इंजीनियरिंग के लिए, कि जितने भी इंजीनियर्स हैं उनके लिए एक लेवल सेट किया जाए कि एटलीस्ट आप गेट क्वालिफाइड हैं। मतलब एक क्राइटेरिया सेट तो फिक्स गेट, करने के लिए हाँ, तो इसके ऊपर काफी समय से बात चल रही जी है। अभी ऐसा कुछ फाइनल डिसीजन नहीं हुआ जी है, लेकिन किसी भी मतलब समय वो डिसीजन हो सकता है। यार गेट में पता क्या होता है कि जैसे नाम में इसके एप्टीट्यूड हाँ एग्जाम हाँ है। ठीक, बिल्कुल तो ऐसा कुछ गेट में अलग नहीं आता, हाँ
आता आपका वही है जितना आपका बीटेक का पार्ट है या फिर जितना आप लोगों ने अभी तक 4 साल में सीखा है, बस उसी की एप्लीकेशन ज़्यादा आती है गेट एग्ज़ाम में। तो हाँ, अगर एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो, एक अच्छी प्लानिंग हो, तो मतलब गेट एग्ज़ाम कर सकता है कोई भी बच्चा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब पहले से बस ये आपको अवेयर होना पड़ेगा चीज़ों के बारे में, तो आप आराम से कर सकते हैं। तो सर मतलब ये जब गेट का जो आपने बढ़िया ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो डिस्क्राइब किया है, इसको बहुत अच्छा एकदम, मुझे लगता है व्यूअर्स को अब पूरी तरह समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ गेट। और मैं चाहूँगा कि व्यूअर्स इसके बारे में और भी रिसर्च करें, क्योंकि हमारे दीपांशु सर ने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि आप MBA में भी जा सकते हैं इसके थ्रू। तो सर जैसे कि ये गेट के, मैं इसी से रिगार्डिंग एक चीज़ पूछूंगा कि आपको इस चीज़ के बारे में, जब आप कॉलेज में थे तो आपको फर्स्ट ईयर में ये चीज़ को पता था कि गेट करके है, या मतलब आपको भी बाद में पता चला इस चीज़ के बारे में, वो चीज़ थोड़ा बताइए सर। नहीं यार, मतलब फर्स्ट ईयर में से मुझे इतना पता था कि गेट के थ्रू हमको MTech एंड PSCs मिलते हैं, ठीक। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मुझे काफ़ी सारी इसके बारे में नॉलेज मिलती गई कि यार गेट के थ्रू क्या क्या हमारे पास में ऑप्शंस हैं, ठीक। अभी तो यार जैसे मैं थर्ड ईयर में हूँ, लेकिन जैसे अगर मैं तुमको बताऊँ तो एक कोचिंग है गेट अकेडमी जहाँ से मैंने प्रिपरेशन की जी, तो उनका भी एक पोस्ट गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है जी। तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया, उसमें काफ़ी डिस्कशन चलता है, तो मैं काफ़ी समय से उसमें थोड़ा एक्टिव हूँ। तो मैंने जो उसमें नोटिस किया, जितने भी मेरे सीनियर्स हैं वो काफ़ी मतलब बातचीत करते हैं, तो उनके थ्रू मुझे काफ़ी सारे ऑप्शंस के बारे में पता चला है। तो मैं यही कहूँगा जितने भी व्यूज़ हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, कि आप एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम के साथ साथ ये और सोच के चलिए कि वो एग्ज़ाम आपके लिए क्या क्या रास्ते खोल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत सही बात कही आपने। तो मतलब मैं अगले क्वेश्चन पर बढ़ूँगा कि मतलब बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आए थे, मैंने काफ़ी क्वेश्चंस को मिक्स किया है क्योंकि कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी थे। तो यही पूछा गया है कि अगर सर ये जो आपने कोर्सेज क्या क्या लिए हैं, अगर कोई बच्चा प्रिपरेशन करता है तो वो सिर्फ कोचिंग से ही कर सकता है या सेल्फ स्टडी से, मतलब आपने कैसे किया था, आपने कोई कोर्स लिया था तो उसके बारे में बताइए, आपका क्या रहा रूटीन टाइम टेबल, थोड़ा इसके बारे में हल्का सा व्यूअर्स को थोड़ा जानना है। यार गाइस, मैं आपको जैसे बताता हूँ, तो यार जैसे जो हमारा कॉलेज लोकेटेड है, वहाँ पे जब मैंने एडमिशन लिया था उस समय के आसपास इंटरनेट कनेक्टिविटी का थोड़ा इशू। बिल्कुल सर बिल्कुल, ठीक। तो जब मैंने गेट की प्रिपरेशन के लिए सोचा था, तो एक मेरे पास चॉइस थी ऑफलाइन कोचिंग की। तो ऑफलाइन कोचिंग जो हमारे कॉलेज के आसपास है, वो है 150 किलोमीटर दूर मेडीजी की लखनऊ में। अच्छा जी, हाँ ठीक बिल्कुल। तो वो मुझे मतलब इतना फीजेबल आइडिया नहीं लगा कि मतलब मैं वीकेंड पे 150 किलोमीटर सुबह शाम ट्रेवल करके जाऊँ, बिल्कुल ठीक। तो मैंने थोड़ी रिसर्च की, तो मेरे भैया हैं अंकित गोयल सर, ठीक। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, वो भी इसी से ही हैं, उनकी AI21 आई थी। अच्छा। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि यार आप गेट अकेडमी के कोर्स को एक बार एक्सप्लोर कीजिए। तो मैंने क्या किया कि गेट अकेडमी के अगर आप देखेंगे तो यूट्यूब चैनल पर ना काफ़ी सारी वीडियोज़ पड़ी हुई है जो कोर्स से, बिल्कुल ठीक। तो मैंने उनको काफ़ी दिनों तक एक्सप्लोर किया, उनसे समझा, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कंटेंट काफ़ी अच्छा है गेट अकेडमी। बिल्कुल, मतलब एक जो होता है ना कि कॉलेज में जब बच्चा एंटर होता है वो सोचता है कि गेट के एग्जाम की तैयारी करनी है, ठीक। तो उसके दिमाग में सबसे पहले एक नाम आता है मेडीजी, जो काफ़ी फेमस नाम है। तो ऐसा नहीं है यार कि मेडीजी है, गेट अकेडमी मतलब एक इमर्जिंग कोचिंग है लेकिन काफ़ी अच्छी है। तो फिर उसमें से मैंने जो डिसाइड किया कि यार मेरे लिए कौन सा कोर्स बेटर होगा, तो फिर वो मैंने डिसाइड किया कि यार जो PD कोर्स है उनका, वो एक ऑफलाइन कोर्स की तरह ही काम करता है, जिसमें एक हार्ड डिस्क में वो आपको सारी वीडियोज़ रिकॉर्ड करके प्रोवाइड करते हैं, ठीक। उसमें आपकी सारी वीडियोज़ अवेलेबल होती हैं, सारी आपको बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं उसके साथ में, तो उसमें आप जब मन चाहे तब वो वीडियोज़ देख सकते हैं। उसका जो मतलब बेनिफिट है वो ये है कि लाइव क्लासेस में क्या होता है कि यार आपका एक फिक्स टाइम है कि आपकी जो क्लास है वो 2 बजे से 5 बजे तक है, तो आपको करनी है, ठीक। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में है तो आपकी क्लास का टाइमिंग फिक्स होगा कि 10 से 2 है। अब बाई चांस मान लो कोई इमरजेंसी हो गई या फिर कोई कॉलेज का एग्ज़ाम हो गया या कुछ और हो गया, आप वो क्लास अटेंड नहीं कर पाए, ठीक, तो आपके पास में ये ऑप्शन नहीं होता है कि आप उस क्लास को दोबारा कर सकते, आपको फिर अपने किसी फ्रेंड से नोट्स लेके उस क्लास को कवर अप करना पड़ेगा, ठीक। लेकिन एक जो बेनिफिट इस प्रोग्राम में APD कोर्स में, उसमें ये है कि आप अपने सूटेबल टाइम के हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं और आप किसी भी वीडियो को कितनी बार भी दोबारा देख सकते हैं अगर आपको इशू आता है। जैसे जो मेरा रूटीन था, अगर मैं तुम रूटीन के तुम पूछ रहे थे, तो रूटीन में तुम्हें बताता हूँ कि यार पता क्या होता है कि इंजीनियरिंग में आने के बाद ना एक माइंड सेट ये होता है कि हमारा जो ज़्यादा फोकस है या फिर हम ज़्यादा जो जग सकते हैं रात में, बिल्कुल सर क्योंकि इंजीनियरिंग के जो एग्ज़ाम होते हैं ना, मैक्सिमम बच्चा रात की तैयारी करने के बाद अगले दिन एग्ज़ाम देता है, ठीक यार। लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे लिए ना थोड़ा इशू है, मुझे ना सुबह जगना ज़्यादा पसंद है कंपेयर टू रात, ठीक। तो यार यहाँ पे इस कोर्स ने मुझे फ़ायदा किया, ठीक। तो मैं रात में या फिर सुबह भी जब भी मुझे सूटेबल लगता था मैं इस कोर्स को कर सकता था। अब यार तुमने टाइम टेबल की अगर मैं बात करूँ तुमसे,
तो यार टाइम टेबल के बारे में गाइस, ऐसा होता है ना कि आप जब एक कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं ठीक, तो आपको ना एक एंड डेट का आइडिया हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको एक फिक्स डेट पता हो कि इस डेट को आप एंड कर देंगे, लेकिन आपको एक आइडिया हो कि इसके अराउंड या इस मंथ में या इस वीक में आप इस कोर्स को कंप्लीट कर देंगे। हाँ, एक उससे डेडलाइन क्या होता है ना डेडलाइन कि होना चाहिए, बिल्कुल डेडलाइन बिल्कुल। डेडलाइन गाइस, उससे क्या होता है कि अगर आप बीच में कहीं लैग भी कर गए तो वो आपको पुश करने पे मजबूर करती है कि यार वो नहीं, वो मेरी डेडलाइन थी तो मुझे पुश करके उस तक पहुंचना है। अगर आप एक डेट फाइनलाइज नहीं करेंगे ना, तो आप चीज़ों को टालते रहेंगे कि ठीक है यार कर लेंगे कर लेंगे, अभी टाइम है। तो ऐसी जब मेंटेलिटी आ जाती है ना एग्जाम के टाइम पे, तो वो एक थोड़ा इश्यू क्रिएट कर सकती है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि सबसे पहले आप नई डेडलाइन तैयार करें कोर्स के लिए कि कब तक आपको पूरा करना है, क्या क्या करना है, जैसे PYQs हो गए, मॉक टेस्ट हो गए, कितने करने हैं मॉक टेस्ट अगर करने हैं तो ठीक, तो ये सब एक डिसाइड करें, किस किस कोचिंग के मॉक टेस्ट करने हैं, तो ये सब चीज़ें एग्जाम की प्रिपरेशन करते करते साथ में डिसाइड करें। फिर बात रही एक टाइम टेबल की, तो यार गाइस पता है एक तरीका होता है कि लोग दिन में डिसाइड करते हैं कि यार मैं 6 घंटे करूँगा 7 घंटे करूँगा ठीक। अगर जो मैंने फॉलो किया था, मैं 6 या 7 घंटे नहीं डिसाइड करता था, मैंने क्या किया था कि मैंने काम डिवाइड कर लिया था कि यार मुझे ऐसा करना है कि इस सब्जेक्ट के दिन में 4 लेक्चर करने जो रिकॉर्ड मुझे मिले थे, एंड दूसरे सब्जेक्ट के मुझे 4 लेक्चर करने, तो डेली के मेरे चार चार 8 लेक्चर्स हो गए थे। जी एंड उसके बाद मैंने क्वेश्चंस के लिए बोला था कि क्वेश्चंस के लिए ठीक है मुझे कम से कम 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन इतने आज के दिन में करने हैं। मतलब आपने एक अपने लिए डेडलाइन खुद फिक्स कर ली थी कि मेरे को इतना इतना करना है डेली। हाँ यार डेडलाइन होनी चाहिए, ये डेडलाइन आपकी होनी चाहिए डेली की, बिल्कुल यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं जो शॉर्ट टारगेट शॉर्ट आपके टारगेट, होते हैं बिल्कुल। कि डेली का आप शॉर्ट टारगेट तैयार कर सकते हैं। यार उस तीसरी चीज़ जो आती है जो आपकी प्लानिंग में स्ट्रेटजी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपकी होती है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट ठीक, नोट्स, हाँ जी। जब आप एक गेट जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो कि मतलब काफ़ी बड़ा एग्जाम है जी, जिसका सिलेबस काफ़ी वास्ट बहुत है बहुत। ठीक, यार शॉर्ट नोट्स मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जी है, क्योंकि अगर आप देखें तो अगर आप 1 साल के लिए तैयारी कर रहे हैं गेट की ठीक, तो जब आपके सिलेबस पूरा होगा, जैन फेब में एग्जाम होता है, तो जैन का जो फेज होगा उसमें आप मैक्सिमम टाइम मॉक टेस्ट में देंगे, तो उसमें क्या होगा यार कि आपको ये होगा कि मुझे रिवीजन भी करना है। तो रिवीजन करने के लिए अब आपकी जो पूरी कॉपी है जो कि कम से कम 200 से 300 पेज की होगी, आप उसको दोबारा दोबारा नहीं देख सकते, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा यार कि उसके लिए ना आपको अपने शॉर्ट नोट्स को रिफर करना चाहिए, जिसमें आपने हर सब्जेक्ट को 15 से 20 पेजों के अंदर अंदर खत्म कर दिया हो। उससे क्या होगा कि आप बहुत जल्दी से रिवीजन कर हाँ, पाएंगे। आपने सर शॉर्ट नोट्स ये लेक्चर देखते देखते बनाए कि सर लास्ट में आपने बनाया, क्योंकि शॉर्ट नोट बनाने का भी मैं सुनता हूँ कि शॉर्ट नोट तभी बनते हैं जब आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाए उन चीज़ों का। तो आपका आपके में कैसा रहा था कि आपने स्टार्टिंग से ही शॉर्ट नोट बनाना स्टार्ट किए थे कि लास्ट मोमेंट पे आपने सिर्फ बनाए थे? नहीं यार पता क्या हुआ था, जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 17 मार्च को, तो उसके लगभग 10 दिन बाद ही मतलब मुझे ये पता लगा था कि यार शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, ऐसा मतलब मुझे लगा कि बनाने चाहिए ठीक। तो यार मैंने जब डिसाइड किया कि ठीक है यार अब शॉर्ट नोट्स बनाने हैं ठीक, तो ये मैंने काफ़ी सुना था कि काफ़ी मतलब मिथ है या फिर ऐसा कुछ है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, काफ़ी बच्चों को इशू आता बिल्कुल है कि सर यार ऐसे बिल्कुल, बनाने बहुत क्या लिखे क्या उसमें, मेरे को खुद कितना आता है लिखना है, सर इतना सारा कंटेंट बिल्कुल। होता है। उसके लिए ना मैं आपको यही कहूँगा जो मैंने पहले ही बोला इस बारे में कि आप सबसे पहले ये सोचिए कि आप शॉर्ट नोट्स बना क्यों रहे हैं। आप शॉर्ट नोट्स बना इसलिए रहे ताकि जो चीज़ें आपको याद नहीं रहती आप उन चीज़ों को याद रख सकें बार बार रिविजन के थ्रू। तो आप एक काम कीजिए, जो चीज़ आपको लगती है कि यार ये चीज़ मुझे याद नहीं रहेगी, शॉर्ट नोट्स में वो चीज़ लिखिए ठीक, और जो चीज़ आपको लगता है कि यार ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के रिव्यू से, उस चीज़ को ज़रूर नोट कीजिए। ये 2 से 3 चीज़ें जिन्हें आपको नोट करनी है, बाकी जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, मॉक टेस्ट देंगे या फिर PYQs करेंगे, तो आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और मिलेंगे, तो उनको और नोट करते रहिए ठीक। एक परफेक्ट शॉर्ट नोट की डेफिनेशन गाइस कुछ नहीं होती है, और जो शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, मैं आपको बताऊँ, अगर आप मेरे से लेंगे तो वो हो सकता है कि वो कुछ और हो, अगर आप किसी और बिल्कुल से बिल्कुल लेंगे सर तो वो हो सकता है कि वो कुछ और बिल्कुल हो, तो सर, वो मतलब वेरी कर वेरी कर सकते सकते हैं हैं, पर्सन टू पर्सन ठीक। डिपेंड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो इम्पोर्टेंट लगा वो आपने लिखा, मेरे को जो इम्पोर्टेंट लगेगा मैं लिखूंगा। बिल्कुल आपने बहुत सही बात करी है, बिल्कुल सर। तो यार एक चीज़ और मैं कहूँगा कि यार शॉर्ट नोट्स अगर तुम्हें चाहिए हो ना, तो मतलब किसी के ऐसा किसी और के रिफर मत करना, एक बार को तुम किसी और के नोट्स रिफर कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट नोट्स तुम्हारे अपने ही होने चाहिए, तभी उनका बेनिफिट ज़्यादा होगा जो मुझे लगता है। बिल्कुल सर बिल्कुल सर। तो जैसे कि आपकी प्रिपरेशन आपने बताया कि कॉलेज के दौरान ही हुई है, और गाइज आपको बता दूं सर अभी 3rd ईयर में है, और 3rd ईयर में सर ने ये 139 रैंक अचीव की है, तो इट्स अ बिग अचीवमेंट आई थिंक। तो
तो सर आपके ये कॉलेज की पढ़ाई भी चल रही थी साथ साथ एकेडमिक्स को आपने कैसे मेंटेन किया, क्योंकि ये इंटरनेट का युग है, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे आप, और मतलब आपने पूरी तरह फोकस कैसे बनाए रखा कि नहीं मेरे को अपना एम जो है आपका डिसाइडेड उस पर ही करना है, और एज वेल एज कॉलेज के एकेडमिक्स को भी आपने मेंटेन करके रखा, तो ये दोनों को कैसे बैलेंस आउट किया आपने? यार पता क्या है कि जैसे मैं तुमको बताया अभी कि जो मेरा जेई वाला एग्ज़ाम था वो इतना अच्छा नहीं गया था 12th में, ठीक। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक मतलब जो फेलियर था वो मेरे लाइफ में रह चुका था पहले, तो थोड़ा प्रेशर और भी था कि यार मतलब नहीं अब मतलब फाइनली कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो 2 साल बाद में अपने आपको कहाँ देख रहा हूँ मैं, मतलब इमेजिन नहीं कर पा रहा था, ठीक। तो एक डिटर्मिनेशन थी कि यार अब स्टार्टिंग करनी है, ठीक। मैंने सोचा था कि 2 साल मुझे लग जाएंगे यार, लेकिन एकदम से लॉकडाउन वाला फेज़ आया, ठीक। तो उसमें क्या हुआ कि कॉलेज जो थे वो बंद हो गए थे, मैंने मार्च से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी एंड मिड मार्च से कॉलेज जितने भी थे वो बंद हो गए थे लास्ट ईयर। तो उसमें क्या हुआ था कि एकदम से पता अचानक बंद हुए थे, इंडिया में किसी भी इंस्टीट्यूट के पास या फिर किसी के पास भी उस समय इतनी वो नहीं थी कि वो अचानक से एकदम से ऑफलाइन से ऑनलाइन में स्विच कर सके, ठीक। तो कॉलेज भी जो हमारा था वो उस समय तो एक ट्रांजिशन फेज़ में था कि इतनी रेगुलर क्लासेस नहीं होती थी या फिर इतना रेगुलर इंटरेक्शन नहीं था। शुरुआत में तो ऐसे टाइम मिला एंड जब धीरे धीरे एग्ज़ाम का टाइम आया कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी होने हैं, तो यार ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अनअवॉइडेबल होती हैं, आपको मतलब देनी ही देनी है, आप इनसे बच नहीं सकते, इनको फेस करनी ही करनी है आपको होगी, ठीक। तो ऐसे कॉलेज की मतलब मैं ये कहूँगा सभी से कि कॉलेज की पढ़ाई को ना ऐसा कुछ मतलब ज़्यादा मत वो करिए कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे, मतलब अच्छी है हाँ करनी चाहिए, हाँ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ हाँ दें, बिल्कुल लेकिन एक होता ना कि एक थ्रेशोल्ड जो मार्क होता है, हाँ ठीक, उस तक अपना CGPA या फिर अपनी जो परसेंटेज है इतना उसको मेंटेन रखिए, उससे ऊपर जो आपकी बाकी चीज़ें हैं अवेयरनेस में इन सब में ज़्यादा ध्यान दीजिए। क्योंकि यार पता है क्या है कि मतलब कहते हैं ना कि एग्ज़ाम के मार्क्स या ऐसा कुछ मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसको भी थोड़ा ध्यान दीजिए, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज के मार्क्स के पीछे भागते रहें, स्किल्स के पीछे या फिर कोई और जितने भी आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनके पीछे आप बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहे, तो ज़्यादा बेनिफिट उसका भी नहीं होगा, ठीक है। बाकी तुमने बोला यार डिस्ट्रैक्शन, तो हाँ यार ऐसा होता है कि मतलब सोशल मीडिया हो गई या फिर यूट्यूब हो गया, ये काफ़ी डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं लाइफ में। तो यार उसके लिए मैंने क्या किया था, अगर आप एक नॉर्मल फ़ोन चला रहे होंगे तो उसमें ऑप्शन आता है सेटिंग्स में डिजिटल वेलबींग का, हाँ जी हाँ तो जी उसमें क्या होता है कि आपके जितने भी सोशल मीडिया के ऐप्स हैं आप उन पर एक टाइमर सेट कर सकते हैं कि डेली आपको कितना यूज़ करना है, या फिर आपका जो भी पढ़ाई का टाइम है आप उनको उस टाइम के लिए उस ऐप को बंद कर सकते हैं कि आप उनको एक्सेस ही नहीं कर सकते, ठीक। या लेकिन क्या होता है ना कि उसको भी आप जब मन चाहे तब हटा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा डिटर्मिनेशन आपको लाना होगा, पॉजिटिविटी आपको लानी होगी कि नहीं यार अब करना है तो करना है, वो बंद है तो बंद है, कोई बात नहीं मैं 1 घंटे बाद देख लूंगा उसको, कुछ वो चेंज तो हो नहीं जाएगा। तो ये आपको क्रिएट करना पड़ेगा कि हाँ यार अब समय आ गया करने का, तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठो, क्योंकि यार ये सब चीज़ें आपका वेट करती रहेंगी लाइफ में आगे भी, आप इन पर बाद में भी फोकस कर सकते हैं, लेकिन इस समय जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कि इंपॉर्टेंट है तो इसको ज़्यादा मतलब मैं टाइम दूँ। मतलब प्रायोरिटी आपने पहले अपने एम को रखी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें रहती हैं। तो सर आपकी प्रिपरेशन के दौरान भी आपका ऐसा तो होगा नहीं कि हर दिन ही मोटिवेट रहे हों, कहीं ना कहीं आपको टेस्ट टेस्ट में या कहीं ना कहीं आपको अप डाउन्स आए होंगे अपने प्रिपरेशन इस जर्नी के दौरान, कहाँ आपको लगा होगा कि नहीं यार मैं मेरे से नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ फील हुआ कभी आपको डीमोटिवेट टाइप का, या ऐसा लगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ मेरे से हो भी पाएगा या नहीं? तो सर उस समय आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या रहता था और आप अपने आप को कैसे हैंडल करते थे उस सिचुएशन में, क्योंकि सर ये बहुत ऐसी यार सिचुएशन होती है, हर बच्चा करता तो है प्रिपरेशन लेकिन खुद को वो समझाने के लिए आपका क्या सोर्स था, आप किससे एडवाइस लिया करते थे, आप किससे शेयर करते थे अपनी ये जो जर्नी आपकी रही है इस बारे में? यार एक इंस्टेंस जो मैं तुम्हें इसमें बताना चाहूंगा वो ये था कि जब मैंने अपना पहला मॉक दिया था वो पता वो 25 मार्क्स का था, तो उसमें से क्या हुआ था कि मेरे खाली 12 मार्क्स आए थे, ठीक। तो यार उसके बाद मुझे लगा कि यार 25 में से मतलब 12 मार्क्स आए हैं, इसके मैंने PYQs भी कर लिए, नेटवर्क को सब्जेक्ट था, ठीक, मैंने इसके PYQs भी कर लिए हैं, मैंने इसकी काफ़ी मेहनत की थी, प्रैक्टिस भी काफ़ी की है, उसके बाद भी ऐसा क्या हो रहा है कि मतलब इसमें ऐसा मार्क्स मैं स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ। तो वहाँ थोड़ी डिमोटिवेशन हुई थी, फिर मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ देखी थी यूट्यूब पे, जैसे उम्मीद धाबे सर जो कि गेट अकेडमी के डायरेक्टर, उन्होंने काफ़ी बना रखी है, ठीक, मेरे भैया हैं उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि यार ये सब जो टेस्ट हैं ऐसा नहीं होता है कि पहले टेस्ट में आप सीधा फुल मार्क्स ले आते हैं फिर आपकी रैंक अच्छी आ जाती है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब होते हैं, अच्छा कर जाते हैं, किसी ना किसी की तो यार रैंक आएगी फर्स्ट, ऐसा तो नहीं है। तो ऐसा है कि इनको करते जाओ यार, अपनी जो गलती है उनको नोट करते जाओ, उनको करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, तो होगा काम, बात नहीं यार डिमोटिवेशन की, ठीक।
मेरे हिसाब से पता है डिमोटिवेशन डायरेक्टली मतलब रिलेटेड होता है नेगेटिविटी से। अगर आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आ रहे हैं ठीक, तो आपके डिमोटिवेट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब नेगेटिव थॉट्स के लिए क्या है कि यार नेगेटिव थॉट्स पता है कहीं से भी आ सकते हैं कि आपके आसपास कोई नेगेटिव इन्वायरमेंट हो। जैसे लास्ट ईयर जो था वो काफ़ी मतलब नेगेटिव इन्वायरमेंट ऑलरेडी क्रिएट था क्योंकि कोविड का चल रहा था, एंड उसके बाद में क्या होता है कि या फिर आपके सर्कल में या फिर आपके सामने में कोई ऐसा बंदा है जो मतलब थोड़ी नेगेटिविटी कर रहा है, उससे भी आप बिल्कुल ठीक है उससे भी आप थोड़े डिमोटिवेट हो सकते हैं। तो उससे यार पता क्या, उससे ओवर अप करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जब रोज़ सुबह उठें तो सबसे पहले अपने आप से 10-15 बार ये बात कहें कि हाँ यार मैं ये एग्ज़ाम निकाल के रहूँगा, मेरी अच्छी रैंक आके रहेगी, कैसे नहीं आएगी अच्छी रैंक, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ क्यों नहीं आएगी अच्छी रैंक। जो भी डिमोटिवेशन है उसको आप एक बार सोचिए कि अच्छे यार ठीक ऐसा चल रहा है, तो उसके बाद सोचिए यार जो होना होगा वो होगा, मेरे हाथ में चीज़ नहीं है तो मैं उसके बारे में क्या ही कर सकता हूँ। बाकी यार काफ़ी सारी मोटिवेशनल वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर ठीक, उमेश धांधे सर की हैं, जैसे संदीप महेश्वरी सर हैं ठीक, तो उनकी थोड़ा बहुत फॉलो करो तो मतलब एक पॉजिटिव माइंडसेट रहता है, थोड़ा बहुत उनको भी फॉलो करना। और एक मुझे लगता है कि यार पता है कि कुछ एनर्जेटिक जो सॉन्ग्स होते हैं ना उनको थोड़ा वाला फॉलो किया। जैसे मैंने तो यार क्या हुआ था कि मेरा मई के बाद से एक शेड्यूल बना था रनिंग का डे, तो मैं आज तक फॉलो कर रहा हूँ ठीक, तो मैं डेली रोज़ सुबह 3 किलोमीटर की रनिंग करता हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, उसमें एक एनर्जेटिक सॉन्ग्स मैं सुनता हूँ ठीक। तो जैसे जो मेरा फेवरेट सॉन्ग है वो है आरंभ सॉन्ग है, अच्छा तो उसको आप सभी लोग सुन रहे हो, तो जो लिरिक्स है ना उनको सुनोगे तो पॉजिटिविटी देती है, अच्छे गाने अगर आप सुनोगे तो वो भी थोड़ी पॉजिटिविटी आपको देगी। मतलब सर हमको खुद ही अपने सराउंडिंग में पॉजिटिविटी क्रिएट करना होगी, माइंडसेट हमको पॉजिटिव रखना होगा, तभी ये जाके मतलब हो पाएगा। अगर मतलब दूसरे तो नेगेटिविटी तो फैलाते हैं, ये अपने ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगी कि नहीं हमको पॉजिटिव रहना है अंदर से। जो आपके अंदर आपने बताया कि आपके अंदर था एक मतलब एक आग थी कि नहीं कुछ करना है, क्योंकि आप फेलियर देख चुके थे जेई का, तो वही मतलब मैं व्यूअर से कहना चाहूँगा मोटिवेट के लिए सबसे बेस्ट सोर्स आप इटसेल्फ होते हैं। जैसा कि सर ने खुद बताया कि यार आपके अंदर खुद वो होने चाहिए, और एक्सटर्नल सोर्स जो रहते हैं जैसे सर का एक फेवरेट गाना सर ने बताया है आप वो सुन सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप गाने सुन सकते हैं, एक ये भी सोर्स हो सकता है, या आप यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं। तो बहुत सही बताया है सर ने। तो सर अब कुछ बच्चों के थोड़े डाउट्स हैं, तो मैं 2-3 डाउट्स सर आपसे पूछूंगा, उसके बाद सर हम वीडियो को एंड करना चाहेंगे, ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं रखना चाहेंगे हम। तो सर पहला क्वेश्चन आया है कि अगर सर कोई फर्स्ट फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग अगर करे थर्ड सेमेस्टर से, तो सर उसको एनालॉग पहले करना चाहिए या नेटवर्किंग से स्टार्टिंग करना चाहिए गेट प्रिपरेशन? यार ये तुमने काफ़ी अच्छा सवाल पूछा है, ये मेरा रह गया था बताना आप लोगों को। तो यार पता क्या है कि काफ़ी बच्चे मैंने देखे हैं इस चीज़ को नेगलेक्ट करते हैं कि यार सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट करें ठीक। मे भी ऐसा हो सकता है कि ये चीज़ मतलब मुझे गलत लगती है, लेकिन मेरे हिसाब से पता है कि सब्जेक्ट आप कौन से स्टार्ट करें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यार एक बात बताइए, आपका नेटवर्क है ठीक, अगर आपका नेटवर्क वीक है तो आप एनालॉग के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन पर आप कमांड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एनालॉग आपका नेटवर्क के ऊपर बेस्ड है। अगर आपका सिग्नल्स आपने नहीं किया, आपका सिग्नल्स वीक है, तो आप कम्युनिकेशन में इतना अच्छा नहीं हो पाएंगे मेरे हिसाब से। तो एक ऑर्डर है जो आपको फॉलो करना चाहिए कि जो बेसिक सब्जेक्ट आपके फंडामेंटल्स हैं आप उनको कम से कम पूरा कर लीजिए। जैसे मैं पर्टिकुलरली इसी की बात करूँ तो नेटवर्क एंड सिग्नल इसी के फंडामेंटल्स हैं, तो जब तक आपके ये नहीं होंगे आपको किसी और सब्जेक्ट पे मेरे हिसाब से तो नहीं पढ़ना चाहिए, मेरी एडवाइस है जी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा जहाँ तक मेरे को लगता है, जिसका भी ये सवाल था तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को फिर पहले स्टार्ट किया करें, या आपने सर मतलब आपसे ये क्वेश्चन है कि आपने कोर सब्जेक्ट्स को पहले स्टार्ट किया था या मतलब ये मैथमेटिकल इंजीनियरिंग को, तो मेन फोकस आपका क्या था कि मतलब सिलेबस पहले ख़त्म करना है, इसको मैं समराइज़ करता हूँ, सिलेबस पहले ख़त्म किया है, मतलब आपका मेन फोकस ये था कि मल्टीपल रिविज़न को आपने प्रायोरिटी दी ड्यूरिंग योर जर्नी सर? यार पता क्या हुआ था, मैंने तो पहले कोर सब्जेक्ट किए थे एंड मैथ्स एंड एप्टीट्यूड मैंने किया था सितंबर में सबसे लास्ट में ठीक। मैं एक बात कहूँगा कि यार काफ़ी मैंने बच्चे देखे हैं वो मैथ्स और एप्टीट्यूड को पता है मतलब नेगलेक्ट कर देते हैं, कहीं ना कहीं उसको छोड़ जाते हैं। लास्ट ईयर से पता IIT ने क्या किया, IIT ने मैथ्स एंड एप्टीट्यूड का जो वेटेज है गेट एग्ज़ाम में वो एक फिक्स कर दिया कि 28 मार्क्स का आएगा ही आएगा। तो यार एक बात मैं आपको बताऊँगा, एप्टीट्यूड आप मतलब जितने भी लोग देंगे इस एग्ज़ाम को सभी इंजीनियर्स होंगे, तो यार एप्टीट्यूड पता है इंजीनियर्स का ऑलरेडी थोड़ा डेवलप्ड होता है, अगर थोड़ी मेहनत आप उस पर करें ना तो आप एप्टीट्यूड में अच्छे से अच्छा स्कोर पा सकते हैं। एंड सेकेंडली मैथ्स, यार इंजीनियरिंग के किसी भी आप कॉलेज में चले जाए ना तो कम से कम आपको सेकेंड ईयर तक सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पढ़ाई जाती है, जो आपका हर सेमेस्टर में सब्जेक्ट होता ही होता है, और वही मैथ्स आपकी गेट में भी आती है ठीक।
तो ये जो दो पॉइंट होते हैं ना, ये इंजीनियर्स के काफी स्ट्रांग होते हैं। इस पर अगर वो थोड़ी बहुत ही मेहनत करें ना, तो इनसे काफी कुछ वो मार्क्स अपने गेन कर सकता है। जैसे मैं आपको पर्सनली बताऊँ तो एप्टीट्यूड में मैंने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़ा था, एंड जितने मैंने अटैम्प्ट किए थे वो सभी मेरे सही हुए थे। ठीक, तो अगर आप देखें 28 मार्क्स के एप्टीट्यूड में से अगर आप 23 से 24 नंबर ही बना लेते हैं अपने, ठीक, तो उसके बाद में जो आपको 30 या 40 नंबर चाहिए होंगे अपने रैंक बिल्डअप करने के लिए, वो आपको लेने होंगे सिर्फ और सिर्फ 72 नंबर में से। 72 नंबर में से सिर्फ आपको 30 से 40 नंबर चाहिए होंगे, क्योंकि आपने 28 में से 23 24 ऑलरेडी बना लिए। तो गाइस वेटेज देख के जाइए किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, क्या आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आप कितना उसमें गेन कर सकते हैं। मैथ्स एंड एप्टीट्यूड को मेरे हिसाब से प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सिर्फ आप एंड में उसको लीजिए, जितना उसका कंटेंट है उसको क्लियर कीजिए, एंड उसके बाद में सभी ब्रांचेस के PYQs कर लीजिए। इतना मैथ्स एंड एप्टी के लिए मेरे हिसाब से सफिशियंट रहेगा, इससे ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो सर एक लास्ट क्वेश्चन और है कि मतलब आपने, ये मेरा भी एक इसमें आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा क्वेश्चन भी रह गया था कि सर जब आपने फर्स्ट ईयर का जैसे बताया, तो आपने कौन कौन सी सर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में आपने पार्ट लिया था, या फिर सिर्फ आप स्टडीज़ की तरफ फोकस थे, आपने भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में लिया या सिर्फ स्टडीज़? यार देखो मैं तुमको बताता हूँ कि जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था तो एक हमारी कॉलेज में एक बॉडी है IST, ठीक, इंडियन सोसाइटी फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो उसमें पता क्या होता है कि उसमें मैंने ज्वाइन किया था, तो उसके बाद में जो हमारे एक सीनियर थे जो उस समय थर्ड ईयर में थे, तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था दृष्टि के नाम से, ठीक, उसमें जो उन्होंने काम किया था, तो मैंने उनके इंटर में उसमें काफ़ी काम किया था। तो उसमें क्या हुआ था, हमने आर्डिनो के ऊपर काफ़ी काम किया था, ठीक, तो जितनी मेरी बेसिक नॉलेज थी इलेक्ट्रॉनिक्स से आर्डिनो की या फिर इन सब की, इधर जितने भी IDE होते हैं, मैंने PCB डिजाइनिंग के ऊपर भी काम किया हुआ है। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जब बात करूँ तो मैंने अपनी ब्रांच रिलेटेड वर्क ज़्यादा किया है एज सच, मतलब ऐसा सोशल वर्क अभी तक मैंने ऐसा कुछ टाइम नहीं दिया। एंड उसके बाद से जब से मैंने गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी सेकेंड ईयर से, तो यार तब से मतलब मैंने स्किल पर ज़्यादा टाइम में नहीं दे पाया। अगर मैं आपको सच बताऊँ, मैं बात को एक्सटेंड नहीं करूँगा कि मतलब मैंने किया, लेकिन मैं सेकेंड ईयर से ज़्यादा टाइम इन सब चीज़ों को नहीं दिया। तो जैसा कि आपने सुना कि सर ने इतना टाइम नहीं दिया, लेकिन सर फिर भी थोड़ा एक्टिव थे, जो बॉडीज थी हम लोग के कॉलेज की उसमें थोड़ा एक्टिव रहे सर। तो सर इस इंटरव्यू के जितने भी क्वेश्चन थे वो यहीं समाप्त करते हैं। तो मैं बस एक लास्ट आपसे एडवाइस लेना चाहूँगा कि जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं, आने वाले यार, मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि यार पता क्या होता है कि एक समय के बाद हमें लगता है कि यार मेरे से नहीं हो रहा, मैं छोड़ दूँ, कि यार वहाँ पे आपका एक टेस्ट होता है कि आपको छोड़ना नहीं है, वहाँ से आपको अपनी बॉडी को पुश करना है कि नहीं। ऐसा हो सकता है कि आपके 2 दिन हो जाए, 3 दिन हो जाए, आप एक टॉपिक को नहीं समझ पा रहे, ऐसा भी हो सकता है कि आपसे 2 दिन हो जाए, 3 दिन हो जाए, 1-2 क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे, सिर्फ 1-2 क्वेश्चन। लेकिन उसमें क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस को आपको छोड़ना होता है, कुछ क्वेश्चंस को आपको स्मार्टली देखना होता है कि आप कहाँ से उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। ठीक, तो ये सब ना आपको पता क्या होता है कि हमको ना अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहिए अपने उसके ऊपर, बॉडी के ऊपर। हमारा जो सब कुछ होता है कि हम कितना अपने आप को पुश कर सकते हैं, मेरे हिसाब से वो सब कुछ होता है माइंड में। तो आपका ये जो माइंड होता है ना, ये डिसाइड करता है कि आप अपनी बॉडी को कितना पुश कर सकते हैं। अगर आप अपना माइंडसेट अच्छा कर लेंगे कि हाँ यार मेरे से ये हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, ऐसा क्या है कि मैं नहीं कर पाऊंगा इसको, तो आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं अपने जीवन में। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि आप प्रिपरेशन की जो बात है ना, तो सबसे पहली चीज़ होती है स्टार्टिंग। तो आप सभी लोग एक काम कीजिए, अगर आपको गेट की या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो उसके बारे में एक नॉर्मल नॉलेज लेके उसकी प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा स्टार्ट कीजिए, भले सेल्फ स्टडी से या फिर किसी सोर्स के थ्रू या कहीं से भी उसको थोड़ा स्टार्ट कीजिए। एंड पर्टिकुलरली अगर आपको गेट की और ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो गेट के लिए यार मैंने अपनी जो पूरी स्ट्रेटेजी है उसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में एक वीडियो में मैंने बताया था, तो उस वीडियो की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इस वीडियो के साथ में आप उसको रिफर कर सकते हैं एक बार में। बाकी यार अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट दीजिए, ठीक, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ते जाइए। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपकी मेहनत आपके हाथ में है, इस बात को याद रखते हुए आगे बढ़ते चलिए बस। बिल्कुल, तो जैसा कि आप सभी ने देखा, हमारे सर ने एडवाइस दिया है कि आपको अपने प्रोसेस पर ध्यान देना होगा, रिजल्ट की चिंता ना करे हुए। तो बच्चे क्या करते हैं कि रिजल्ट पे सोचते हैं कि हाँ मैं इतना रैंक ला पाऊँ, तो वैसे तो सर ने यही बोला है कि हमको अपने फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस पर, सेल्फ मोटिवेट रहना है। इंटरव्यू में काफ़ी कुछ बताया सर ने, टिप्स एंड ट्रिक्स, और मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं। हमारे सर का भी चैनल दीपांशु गोयल नाम से है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उनके चैनल पर एक वीडियो पड़ी हुई है जिसमें उन्होंने काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है, तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं।
आपको वीडियो कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, क्योंकि उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचना बहुत ज़रूरी है। इसमें काफ़ी कुछ सर ने अपनी जर्नी का बताया। इस वीडियो के यहीं ख़त्म करते हैं। सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सेशन था।